देखो, तो आज के क्लास में हम लोग जो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेगुलेटर सर्किट का जो हम लोगों ने थ्योरी क्लास में समझा था, 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट लैपटॉप बोर्ड का, ठीक है, लैपटॉप बोर्ड का 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट, उसका लेआउट कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होगा और वो सब कंपोनेंट किस तरह से किस लेआउट में मतलब कनेक्टेड रहता है, ये हम लोगों ने उन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग इसको एक बोर्ड में प्रैक्टिकली इसको ट्रेसिंग करके देखेंगे उसी लेआउट के हिसाब से है कि नहीं। तो ये उसका डायग्राम ऑलमोस्ट हमारे पास है, तो मैंने तुम लोग को जो डायग्राम दिया था उस लेआउट का कुछ ये हो गया 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का डायग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि और भी आसान हो जाए समझाना। यहाँ से मैं इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल को, डॉक्यूमेंट्स, तो ये मैं ये डायग्राम को मैंने फिर से ओपन कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया 5 वोल्ट ये वाला, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये हो गया 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, दैट मीन्स 3.3 रेगुलेटर सर्किट। तो इसी को हम लोग आज प्रैक्टिकली ट्रेसिंग करके देखेंगे, 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक बार हल्का सा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि ट्रेसिंग करने से पहले इसको हम लोग समझ लेना है। जैसे मैंने बोला था कि जो तुम्हारा लैपटॉप में 2 वोल्टेज सोर्स होगा, एक होगा एडेप्टर और एक होगा क्या, बैटरी, एडेप्टर एंड बैटरी। तो चाहे एडेप्टर लगा हुआ हो या तो बैटरी लगा हुआ हो, किसी एक सोर्स में से हमारा क्या आएगा, मेन सोर्स वोल्टेज आएगा, जो कि अगर एडेप्टर से आया तो 19 वोल्ट और बैटरी से आया तो 12 to 14 वोल्ट के आसपास होगा। तो मैंने एवरेज में उसको ले लिया कितना, 19 वोल्ट। तो हमारा जो मेन सोर्स वोल्ट कितना आ रहा है, 19 वोल्ट, या इधर एडेप्टर से आएगा या तो बैटरी से आएगा, जहाँ से भी आए। तो वो वाला ट्रैक मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एडेप्टर से किस ट्रैक से आ रहा है या तो बैटरी से किस ट्रैक से आ रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने ले लिया कि हमारा मेन सोर्स वोल्टेज 19 वोल्ट आ रहा है और ये एडेप्टर से बैटरी से आ रहा है, और ये फाइनली कहाँ जाएगा, ये जाएगा अभी कहाँ पे जा रहा है, ये तुम्हारा जो 19 वोल्ट तुम्हारा सोर्स में से आ रहा है आइदर एडेप्टर और बैटरी, वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है तुम्हारा हमारा 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का अपर फेट में जा रहा है, क्लियर ना। ये कौन सा फेट में आ रहा है, ये हो गया यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, अपर फेट, ठीक है। ये 3 वोल्ट सेक्शन का अपर फेट एज वेल एज द सेम तुम्हारा कहाँ पे जा रहा है, इधर से ये 5 वोल्ट सेक्शन का अपर फेट में जा रहा है कि नहीं। ये 5 वोल्ट वाला आउटपुट सेक्शन है, कॉइल है यहाँ पे, इसका अपर फेट में जा रहा है, ठीक है। और द सेम वोल्टेज तुम्हारा कहाँ पे जा रहा है, ये वोल्टेज तुम्हारा रेगुलेटर आईसी में भी जा रहा है, ठीक है। तो जो मेन 19 वोल्ट सोर्स में से आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, 3 जगह पे जा रहा है, सिर्फ 5 वोल्ट और 3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का अपर फेट में ही नहीं जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बोला था कि लैपटॉप में और भी तुम्हारा रेगुलेटर सर्किट होता है, ये तो वन ऑफ दोज रेगुलेटर सर्किट्स, इसके अलावा और भी रेगुलेटर सर्किट है, और सभी रेगुलेटर सर्किट का जितना भी अपर फेट है सभी में ये वोल्टेज 19 वोल्ट जा रहा है, ध्यान रखना। तो एज वेल एज यहाँ पे भी आ रहा है और इसका मेन आईसी पे भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि दोनों जो फेट है इधर से 5 वोल्ट वाला 3 वोल्ट वाला सेक्शन ये हो गया तुम्हारा 3 वोल्ट वाला, ये हो गया तुम्हारा 3 वोल्ट वाला सेक्शन ये वाला, ठीक है, और ये हो गया 5 वोल्ट वाला सेक्शन। तो 5 वोल्ट के लिए ये कॉइल हो गया, ये कॉइल का सिंबल है, और ये 3 वोल्ट का ये कॉइल हो गया, ये 3 वोल्ट कॉइल वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, ये 5 वोल्ट कॉइल और ये 3 वोल्ट कॉइल। अच्छा, अभी सॉरी,
तो जो 19 वोल्ट आ रहा है वो 3 वोल्ट सेक्शन का जो अपर फेट है वहां उसका ड्रेन में जा रहा है, ठीक है ना। ये जो 19 वोल्ट आ रहा है, ये 19 वोल्ट कहाँ पे जा रहा है, ये जो अपर फेट है इसका, ये जो चारों पिन है ये कौन सा पिन है, ड्रेन पिन, तो ड्रेन पिन में आ रहा है। और इसका सोर्स से आउटपुट निकला, ये जो इसका सोर्स पिन है ना, ये क्या हो गया, ये सोर्स है, सोर्स से आउटपुट निकला, और ये आउटपुट लोअर फेट का, ये लोअर फेट है, ये नीचे वाला फेट है, लोअर फेट का ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। और अपर फेट का सोर्स, लोअर फेट का जो ड्रेन है ये कनेक्टेड है, और ये इसमें से तुम्हारा एक आउटपुट निकल रहा है भैया कॉयल होके, कितना, 3 वोल्ट, जो कि कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर करके उसको आउटपुट दिया जा रहा है। सेम इधर में भी हो रहा है, तुम्हारा 19 वोल्ट यहाँ पे इसका अपर फेट का ड्रेन में आया, इसका जो सोर्स है ये लोअर फेट का ड्रेन के साथ लिंक है, और यहाँ से तुम्हारा आउटपुट निकला है भाया कॉयल के थ्रू, ये 3-5 वोल्ट वाला कॉयल है, और यहाँ से तुम्हारा कैपेसिटर के थ्रू ये आउटपुट जा रहा है, ठीक है। और फाइनली और एक चीज, जो दोनों जो लोअर फेट है, दोनों ही लोअर फेट का जो सोर्स है, ये वाला चीज जो सोर्स है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, इसका भी जो लोअर फेट का जो सोर्स है ये सोर्स पिन किसके साथ कनेक्ट है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर इधर से 1 2 3 हुआ, ये 4 नंबर, इधर से 1 2 3 हुआ, तो ये 4 नंबर पिन, और दोनों फेट का, दोनों नहीं, ये चारों फेट का जो 4 नंबर पिन है, पिन नंबर 4, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आईसी के साथ, ठीक है। इसका भी कनेक्शन है किसके साथ, आईसी के साथ, मतलब आईसी से इन चारों फेट का गेट पिन में तुम्हारा सप्लाई दिया जा रहा है, वोल्टेज दिया जा रहा है। और जब भी इन आईसी, इन फैट को गेट पिन में आईसी के थ्रू सप्लाई में वोल्टेज मिलता है, सिग्नल मिलता है, तभी ये फैट एक्टिवेट होता है और अपना काम शुरू करता है, और यहाँ पे स्विचिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। और स्विचिंग होने के साथ साथ ये वोल्टेज आउटपुट निकलता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया ट्रेसिंग। तो चलो हम लोग अभी किसी भी सर्किट बोर्ड में, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्किट बोर्ड को ओपन करके रखा है, ये वाला सर्किट बोर्ड हो गया। तो किसी भी सर्किट बोर्ड में किसी भी सर्किट बोर्ड में हमको सबसे पहले ये पता करना है यहाँ पे रेगुलेटर सेक्शन कौन सा है, क्योंकि एक सर्किट बोर्ड में तुमको पता है कि मल्टीपुल रेगुलेटर सेक्शन हो सकता है, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था, है कि नहीं, मल्टीपुल रेगुलेटर सेक्शन हो सकता है। तो हमको पता करना है स्पेशली कौन सा, 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट वाला रेगुलेटर सेक्शन। तो यहाँ पे इस बोर्ड पे अभी मैंने तुम लोग को ये भी बोला था कि बोर्ड में जहां पे भी तुमको कॉयल दिख जाए, तो तुम समझना कि जो स्क्वायर टाइप का जो कॉयल दिखे, तो समझना कि वो क्या है, वो एक रेगुलेटर सेक्शन है। तो इस बोर्ड में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस बोर्ड में देखो, ये अभी मैं तुमको दूसरा बोर्ड दिखा रहा हूँ, पहला वाला बोर्ड नहीं है। तो इस बोर्ड में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको कहाँ पे कॉयल मिलता है, देखो मैं थोड़ा इसको इस तरह से घुमा लेता हूँ, को मैं दिखा रहा हूँ कहीं पे अगर कॉयल हो तो, ठीक है, इस साइड से आ जाओ, इस साइड में कॉयल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एक कॉयल है, देख रहे हो ना, ये क्या है, कॉयल है। थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ताकि तुम बोल गए नहीं, ये इतना ही रहेगा, यही ठीक है, इतना ही रहना, ठीक है। तो ये कॉइल है, तो यहाँ पे ये कॉइल दिख रहा है, एक कॉइल नहीं देखो, और भी कॉइल है, देखो इसका बगल में और एक कॉइल दिख रहा है, देखा ना, इसका बगल में और एक कॉइल है। इस लैपटॉप बोर्ड में इस तरह से मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 कॉइल मिला इस जगह पे। अगर दूसरा कहीं जगह पे देखूँ, अगर मैं थोड़ा इधर आ जाऊँ, इस लैपटॉप को थोड़ा इधर में लेके आऊँ, तो यहाँ पे देखो तुमको और भी 2 कॉइल मिल जाएगा, देखो यू कैन सी हियर, देखा ना, ये 2 क्या है, कॉइल है, कौन सा, किसका बात हो रहा है, ये जो तुम्हारा स्क्वायर शेप में है, ये कॉइल हो गया, ठीक है। उसके अलावा और भी कॉयल है, ये जो सीपीयू सॉकेट है, ये सीपीयू सॉकेट है ना, तो ये जो सीपीयू सॉकेट है इसका बगल में तुम देख सकते हो, इसका सीपीयू सॉकेट का बगल में यहाँ पे भी कॉयल है, मैं दिखा दूँ उन लोग को, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये एक कॉयल है, और ये और एक कॉयल है, 2 कॉयल है। तो सीपीयू सॉकेट के बगल में भी तुमको 2 कॉयल दिख रहा है, तो जहां पे भी कॉयल है मतलब वो एक रेगुलेटर सेक्शन, ये तो सर्किट का कॉइल है। अभी हम लोगों को अभी ये तो हम लोग को पहले ही पता डिस्कस किया था मैंने तुम लोगों के साथ कि जहां जहां भी कॉइल होगा उतना रेगुलेटर सर्किट होगा, लेकिन इनमें से हमको कौन सा चाहिए,
5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट। हालांकि अभी मैं 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट का बाद में करूंगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी रेगुलेटर सर्किट है सबका पिन लेआउट ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का होता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइप है। तो हम लोग किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी एक का। तो यहां में से कोई भी एक तुम कॉयल समझ लो, मैंने यहां पे ये ले लिया, ठीक है, ये दोनों कॉयल ले लो, ठीक है, ये कॉयल। तो यहां पे ये दो कॉयल है, मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये एक रेगुलेटर सर्किट का दो कॉयल हो गया, मतलब इन दोनों कॉयल के थ्रू आउटपुट निकलता है। तो कॉयल मतलब उस कॉयल के साथ क्या होगा, फैट कॉयल, मतलब दिस इज ए पार्ट ऑफ द रेगुलेटर सर्किट, ये रेगुलेटर सर्किट का कॉयल है और इसके साथ फैट कनेक्टेड होगा, मोस्टली दो दो फैट जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया है। तो हमने हमको सबसे पहले पता क्या करना है, कॉयल कौन सा है, कॉयल दिखना है आपको, ठीक है, सबसे पहले हमको दिखना है कॉयल। तो यहाँ पे देखो ये कॉयल कौन सा कॉयल है, ये वाला, दिस इज कॉयल ये, ठीक है। तो ये समझ लो कोई एक कॉयल हमको मिला, तो जब कॉयल मिल जाएगा तो कॉयल के साथ जुड़ा हुआ दो फैट भी मिल जाएगा, क्यों, कॉयल के साथ ये दो फैट क्या है, कनेक्टेड है। तो ये जो कॉयल है ये एक फैट का अपर फैट का सोर्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और लोअर फैट का ड्रेन के साथ। तो यहाँ पे हमको ये भी पता चल जाएगा कौन सा अपर फैट और कौन सा लोअर फैट है, कैसे, कॉयल अगर जिस फैट का सोर्स से बीप आ रहा है वो अपर फैट होगा और कॉयल का जिस फैट का ड्रेन के साथ बीप आ रहा है वो क्या फैट होगा, लोअर फैट होगा। तो फैट भी पता चल जाएगा दोनों फैट और कौन सा अपर कौन सा लोअर ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम ट्रेसिंग करते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। और सेकंड बात क्या है, देखो, और जो लोअर फैट है उसका सोर्स, ये जो उसका सोर्स है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा और अपर फैट का जो ड्रेन है यहाँ पे क्या आएगा, मेन 19 वोल्ट का सप्लाई आएगा, ठीक है। और अपर फैट का सोर्स लोअर फैट का ड्रेन कनेक्टेड रहेगा, वो तो ऐसे ही पता रहेगा क्योंकि ये कॉयल के साथ बीप आ रहा है, मतलब दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड है और इस कॉयल के साथ एक कैपेसिटर बीप मिलेगा। तो चलो ये चीजें हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड में हम लोग आते हैं, यहाँ पे तो हमको कॉयल मिला, तो कॉयल मिला तो हमको इसके साथ जुड़ा हुआ दो फैट मिलेगा, तो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ, देखो कॉयल के सामने ही तुमको इस तरह से चार फैट दिख रहा है ना, मैंने तुमको बोला था ना 8 पिन वाला फैट होता है, 8 पिन वाला फैट होता है, ये जो फैट होता है कितना पिन वाला है, ये फैट 8 पिन वाला है, यहाँ पे देख सकते हो इधर से 4 पिन इधर से 4 पिन, तो 8 पिन वाला फैट। तो कॉयल के साथ हमको इस तरह से दो दो फैट मिलेगा। तो समझ लो मैं किसी एक कॉयल को चेक करता हूँ, मैं इसी कॉयल को चेक करता हूँ ये वाला, और इसके साथ मतलब दो फैट का मुझे लिंक मिलेगा। तो चलो देखते हैं हम लोग मल्टीमीटर के थ्रू टेस्टिंग करते हुए। तो मैंने मल्टीमीटर को बीप मोड में रखा, और हालांकि तुमको मल्टीमीटर में क्या वैल्यू आ रहा है देखना जरूरत नहीं है, बस तुमको सुनना है बीप साउंड आ रहा है कि नहीं, बीप आ रहा है मतलब उसके साथ लिंक है, इस तरह से बीप आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, तो मैंने अपना मल्टीमीटर का एक प्रोब, देखो ये वाला प्रोब इस कॉयल का किसी एक पॉइंट पे लगा दिया, क्योंकि कॉयल का दोनों पॉइंट से ही तो बीप आएगा ना, ये तो पता है तुम लोगों को, कॉयल का इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट टच करोगे तो क्या होगा, बीप आएगा नहीं आएगा, आएगा बीप आ रहा है ना। देखो मैंने ये एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया और एक प्रोब को मैंने उधर लगाया, तो बीप आ रहा है। तो मतलब ये दोनों साइड कॉयल का, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, कनेक्टेड है। अच्छा यहाँ तो ठीक है, अगला स्टेप में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, देखो ये जो कॉयल है ये इन चारों में से किसी दो फैट के साथ लिंक्ड रहेगा। अभी मैं तुमको ये भी बता दूं, ये देखो फैट है, ये पहले भी बोला मैंने बोला था, फिर भी एक बार फिर से बोल दे रहा हूं मैं, ये जो फैट है इस फैट का देखो यहां पे एक डॉट है ना, तो जहां पे डॉट है वो पिन नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो ये पिन नंबर 1 हुआ तो ये पिन 2 3 4 और इसी डायरेक्शन पे आ जाएगा 5 6 7 8। तो पिन नंबर 1 2 3 क्या होगा, सोर्स पिन होगा, 4 नंबर क्या है, गेट पिन, 5 6 7 8 क्या है, ड्रेन पिन, ठीक है। और अभी मेरा इसका जो है
इसका जो प्रोब, मेरा प्रोब की एक प्रोब तो मैंने कॉयल का एक सिरे पे लगा के रखा है, अभी दूसरे प्रोब को मैं देखता हूँ इन चारों में से किस में बीप आता है। तो मैं पहले यहाँ पे टच करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे बीप आ रहा है। देखो इसमें आया तो तीनों में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि ये तीनों तो सोर्स पिन है ना, सोर्स पिन एक ही होता है। अच्छा चार नंबर पिन में आएगा क्या, देखते हैं हम लोग। देखो चार नंबर पिन में बीप आ रहा है लेकिन, और ये होना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है ना। क्या हो रहा है कि चार नंबर पिन में बीप आ रहा है, इसका मतलब इस, और नहीं नहीं रुको, ये शायद यहाँ पर टच हो गया मेरा, इसे कर रहा हूँ ना शायद, इसके साथ टच हो रहा है मेरा, मैं इधर से लगाता हूँ ठीक है एक बार। अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, मतलब क्या होता है कि इसे करता हूँ तो ये टच हो रहा है इसके साथ, समझ में आ रहा है ना बात। मैं जब इसे लगाता हूँ, ये देखो अभी नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर से लगाना पड़ेगा मुझे, ये नहीं है, बीप आ रहा है ठीक है ना, बैंड करने से वो तीन नंबर पिन के साथ टच हो जा रहा है इसीलिए, तब बीप आ जाएगा इसीलिए। तो चार नंबर के साथ क्या नहीं आ रहा है, बीप नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉयल क्या होता है, किसी एक फेड का सोर्स और दूसरे फेड का ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो दिखा हम लोग को ये कि इस, ये जो कॉयल है इस फेड का सोर्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है ठीक है, ड्रेन के साथ है क्या, देखते हैं हम लोग इधर, ड्रेन ये वाला साइड ड्रेन है ना, तो मैं ड्रेन में लगा रहा हूँ, ड्रेन में बीप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ठीक है, सोर्स में बीप आ रहा है, फिर से एक बार देखो ठीक से क्लियरली, सोर्स में बीप आ रहा है, यहाँ पे भी बीप आ रहा है, यहाँ पे भी बीप आ रहा है, और यहाँ पे अगर टच करेंगे तो यहाँ पे बीप नहीं आ रहा है ठीक है ना। अच्छा ये बैंड होने से कभी कभी आ जा रहा है। अच्छा अगला क्या है, एक एक फैट तो मिल गया, तो मतलब ये कौन सा फैट होगा, ये जिस फैट का सोर्स के साथ बीप आता है वो कौन सा फैट, अपर फैट कि लोअर फैट, अपर फैट। और एक फैट के साथ आएगा, देखते हैं हम लोग ये वाला फैट चेक करते हैं, इसका ये हो गया डॉट, तो इसका ये 1 2 3 हो गया क्या सोर्स, चार नंबर गेट, और इधर से 5 6 7 8 क्या होगा ड्रेन। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखो इसका बीप आ रहा है इस चार नंबर, इसमें बीप आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, क्योंकि ये चारों पिन तो एक ही पिन है ना, तो एक में आएगा तो चारों में ही आएगा ठीक है। तो ये जो कॉयल है इस फैट का ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, एज वेल एज इस फैट का सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो गया अपर फैट और ये हो गया लोअर फैट, और लोअर फैट का जो सोर्स है, जो सोर्स है, ये तीन सोर्स है ना, ये तीन सोर्स है, तो सोर्स क्या होता है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। तो मैं मल्टीमीटर का एक प्रोब को किसी ग्राउंड में लगा लेता हूँ, तो मैं तुमको अभी दिखा दूँ, ये मेरा मल्टीमीटर मैंने पहले तो यहाँ पे टच करके रखा था कॉइल के साथ चेक करने के लिए, अभी मैं किसी भी एक ग्राउंड में टच कर लेता हूँ। देखो तुमको पता है कि कैपेसिटर का एक सिरा होता है ग्राउंड के साथ, तो हम लोग को पता है ना कैपेसिटर का क्या होता है, एक साइड ग्राउंड के होता है। तो मैं कैपेसिटर का एक कौन सा साइड ग्राउंड है उधर मैं टच कर लेता हूँ, मैं देख पहले एक बार मैं चेक कर लूँ कैपेसिटर का कौन सा साइड ग्राउंड है, ये वाला साइड ग्राउंड है ठीक है। मुझे किसे पता चला, क्योंकि मैंने एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया, देखो मैंने एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, ये देखो ये ग्राउंड है ना, मैंने एक प्रोब को इस पे लगा के रखा है क्योंकि ये तो ग्राउंड पॉइंट है, और दूसरा प्रोब को मैं कैपेसिटर का यहाँ पे लगाता हूँ, कैपेसिटर का मैं इस साइड पे लगा रहा हूँ, तो ये भी पा रहा है इस साइड, और इस साइड में भी पा रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो कैपेसिटर का ये वाला साइड क्या है, ग्राउंड है ठीक है। अच्छा तो अभी हमको देखना है कि ये जो है इसका सोर्स ग्राउंड में है कि नहीं। देखो मैं टच कर रहा हूँ 1 2 3 के साथ, बीप आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 4 नंबर नहीं आ रहा है, 4 नंबर तो गेट है ना। तो जो लोअर फेट है इसका सोर्स ग्राउंड के साथ लिंक है, तो ये हो गया अपर फेट, ये हो गया लोअर फेट। अपर फेट का जो ड्रेन पिन है, ये जो ड्रेन है ना ऊपर से सोर्स हो गया, तो अपर फेट का क्या रह गया, ड्रेन, और ड्रेन में क्या आएगा 19 वोल्ट आएगा, और 19 वोल्ट जो आएगा वो भाया किसी ना किसी कैपेसिटर के थ्रू आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये बगल में तुमको जो बड़ा बड़ा दो कैपेसिटर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इनमें से ही भाया कैपेसिटर के थ्रू ही यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 19 वोल्ट ठीक है। फिलहाल अभी वोल्टेज यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जस्ट कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग बस ट्रेसिंग कर रहे हैं, इसका पाथ को देख रहे हैं हम लोग,
तो इनमें से ये कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे क्या आएगा, वो आइदर एडेप्टर या तो बैटरी इन सेक्शन से यहाँ पे 19 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल वोल्टेज तो यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो क्लियर हो गया ना बात। तो जैसे हमने डायग्राम दिया था उस हिसाब से है कि नहीं, यहाँ पे जैसे हमने डायग्राम में देखा था उस हिसाब से है कि नहीं, मिला कि नहीं, कॉयल मिला, कॉयल मिला, कॉयल के साथ जुड़ा हुआ दो फैट मिला, लोअर फैट मिला, अपर फैट मिला। लोअर फैट का सोर्स ग्राउंड में जा रहा था, लोअर फैट का ये जो सोर्स है ये ग्राउंड में जा रहा था, अपर फैट का सोर्स एंड लोअर फैट का ड्रेन क्या है, लिंक्ड है। वो तो ऐसे भी पता चलेगा कि कॉयल के साथ लिंक है, मतलब इसके दोनों आपस में, कॉयल के साथ लिंक है मतलब दोनों आपस में लिंक है, सीधा सा बात है ना। यहाँ पे फिर भी मैं दिखा दूं मैं तुम लोग को, यहाँ पे तो अपर फैट का जो अपर फैट का एंड ये मैंने एक प्रोब को यहाँ पे लगा दिया लोअर फैट का ड्रेन में, और दूसरा प्रोब को मैं लगाता हूँ अपर फैट का सोर्स में। बी पार आएगी नहीं आ रहा है, ये लिंक है ना, ये बी पार आया, तो यहाँ तक मिल गया ना। सेम केस इसका भी होगा, फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा हूँ रिपीट, समझ में आ ही चुका है तुम लोगों को। सेम केस क्या होगा, मतलब समझ में आ ही रहा है कि जो कॉयल रह गया है उसके लिए बाकी दो फैट होगा, उसके लिए बाकी दो फैट होगा, ठीक है। इसके लिए देखो मैं फिर से दिखा दूं, ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये मैं यहाँ पे लगाया मैंने, और इसके साथ ये देखो एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया, ये वाला कॉइल पे लगाया, यहाँ पे मैंने टच किया ये, ठीक है। और बाकी दो फैट में देखो बी पार आए कि नहीं आ रहा है, बी पार आएगा नहीं आ रहा है ना। इसका इस मतलब ये इसके लिए नहीं है, इस कॉइल का नहीं है, ये कौन सा कॉइल का होगा, इस कॉइल का होगा। देखो यहाँ पे टच कर रहा हूँ बी पार है नहीं आ रहा है, यहाँ पे टच कर रहा हूँ बी पार है नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब ये दो जो फैट है ये इस कॉइल का है, तो डेफिनेट सा बात है बाकी जो दो कॉइल होगा फैट होगा इस कॉइल के लिए होगा, तो वो सेम होगा, एक ही प्रोसेस होगा। फिर उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ ही चुका है। रह गया क्या अभी हम लोगों को, तो मतलब दो दो कॉइल, दो साइड के लिए दो कॉइल है कि नहीं, एक 5 वोल्ट वाला होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा साइड के लिए। यहाँ पे तो साइड दिखा रहा है, वहां पे तो बोर्ड में तो साइड नहीं होता है, वो कहीं पे लगा देगा, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि एक 5 वोल्ट का कॉइल है, दूसरा 3 वोल्ट का कॉइल है, दोनों के लिए दो दो फैट है, तो 4 फैट। रह गया क्या आईसी, अभी हमको पता करना है कि कौन सा आईसी है, वो आईसी कौन सा है जो ये दोनों फैट को ड्राइव कर रहा है, वो आईसी कौन सा है जो ये दोनों नहीं चारों फैट को ड्राइव कर रहा है। तो आईसी क्या होता है, आईसी का जो 4 नंबर पिन है, सॉरी फैट का जो 4 नंबर पिन है वो आईसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं वो जो लेआउट हमने समझा था अकॉर्डिंग टू उस लेआउट के हिसाब से मदरबोर्ड में है कि नहीं ये चीजें। अभी यहाँ पे हम लोग पहले तो देख लेंगे इसका बगल में कोई आईसी है कि नहीं, क्योंकि आईसी तो बहुत सारा होता है मदरबोर्ड में, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इसी का जो 5 वोल्ट एंड या तो जो भी हो इस रेगुलेटर सर्किट का आईसी कौन सा है वो पता करने के लिए हम लोग जो बगल वाला आईसी है उसके साथ सबसे पहले ट्रेसिंग करेंगे। उसका ना मिला तो थोड़ा दूर में जाएंगे, हट के जाएंगे। देखो इधर में आके देखो यहाँ पे एक आईसी दिख रहा है कि नहीं, सामने ये बगल में ही है ऑलमोस्ट, सामने देखो ये फैट है और यहाँ पे एक आईसी है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये चारों फैट का गेट पिन इस आईसी के साथ है कि नहीं, अगर लिंक है तो यही रेगुलेटर आईसी होगा, इसका रेगुलेटर आईसी होगा। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक फैट का जो 4 नंबर पिन है वहाँ पे टच कर लेंगे। जैसे अगर ये इसका समझ लो इसका ये अगर ये तीनों क्या हो गया सोर्स हो गया तो ये क्या होगा, ये 4 नंबर पिन होगा। तो मैं एक प्रोब को यहाँ पे लगा लेता हूँ 4 नंबर पिन पे, ये मैंने लगा लिया देखो, ठीक है मैंने 4 नंबर पिन पे लगा लिया। और दूसरा प्रोब को मैं आईसी में देखता हूँ आईसी का किसी पिन के साथ लिंक है कि नहीं, अगर लिंक है तो क्या आएगा यहाँ पे बी पाएगा। तो देखते हैं हम लोग एक एक पिन टच करके हल्का सा, और अगर तुम्हारे पास इसका डायग्राम है तो तुम डायरेक्ट उस पिन में जाके चेक करो, ठीक है। अभी तो हमको पता नहीं है कौन सा पिन में जा रहा है, तो हम लोग इस तरह से जस्ट समझने के लिए एक एक पिन को टच करके देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी पिन में हमको बीप मिलता है कि नहीं मिलता है। ये देखो बीप मिल गया, इस पिन के साथ बीप मिल रहा है, कौन सा, उस फैट का 4 नंबर पिन, क्लियर ना। तो मतलब उस ये जो फैट है ये जो मैंने लगा के रखा है ये जो फैट है इसका 4 नंबर पिन में इस आईसी से सिग्नल जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है और इसको ड्राइव कर रहा है फैट को, उस तरह से जैसे इसका आया बाकी तीनों का भी लिंक इसी के साथ ही होगा। एक एक इसके साथ मिला मतलब क्या, बाकी तीनों का इसी के साथ ही होगा।
इस तरह से हम लोग ने ट्रेसिंग करते हुए ये पता कर लिया कि ये क्या है, ये रेगुलेटर आईसी हो गया, ये उस रेगुलेटर सेक्शन का ये दो ये चार फैट है, और सेम रेगुलेटर सेक्शन का ये क्या हो गया, ये दो कॉइल हो गया। तो ये दोनों में से एक में क्या आएगा 5 वोल्ट और दूसरे में क्या आएगा 3 वोल्ट, और कौन सा में कितना वोल्ट आएगा वो तो तुमको वोल्टेज हॉट चेकिंग में पता चलेगा। तुम वोल्टेज चेक कर लो कौन सा में कितना आता है इसका, तुम पावर पावर सोर्स को तुम इनपुट कर लो, उसके बाद देख लो। सेवन में ना अभी हम अभी अभी वो तो मैंने तुम लोग को पहले दिखा दिया वोल्टेज चेक करके लास्ट क्लास में कैसे कैसे चेक करना है। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं ट्रेसिंग को, बस लेआउट को समझ रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, एक रेगुलेटर सर्किट में कंपोनेंट्स किस तरह से कनेक्टेड होता है। क्लियर ना बात? तो यहाँ पे तुम क्या चेक करोगे, समझ लो तुम्हारा रेगुलेटर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सबसे समझ लो कि तुमको 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन को चेक करोगे। सबसे पहले तुम इनपुट चेक कर लोगे, इनपुट मतलब 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे ठीक है, या तो इस कैपेसिटर पे चेक कर लो क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू ही जा रहा है ना 19 वोल्ट। मैं दिखा दूं तुमको यहाँ पे, ये ड्रेन हो गया ना, ये तो हो गया ड्रेन, और ड्रेन के साथ देखो ये कैपेसिटर बीप आ रहा है, ये ड्रेन है ना, हाँ 1 2 3 4 ये बीप आ रहा है ना देखो, ठीक है। तो मतलब यहाँ से इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर क्या जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। तो और ये तुमको ये देखो इसका ट्रैक इसका लाइन यहाँ पे दिख के समझ में आ जाता है, देखो ये ट्रैक, देखो ये ट्रैक मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ये पूरा का पूरा ट्रैक देखो, यहाँ पे ये देखो ट्रैक गया इधर से आया और ये चारों के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रैक को देख रहे हो ना तुमको, ये जुड़ा हुआ है देखा ना, और इधर से इसका ट्रैक देखो, इधर से देखो, इसे भी पता चल जाता है क्योंकि कैपेसिटर का ये वाला सिरा क्या है, ग्राउंड है ना, और ये जो तुम्हारा क्या है ये सोर्स पिन है, ऐसे ये इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स देखो, ये देखो ये जुड़ा हुआ है, लिंक है कि नहीं, लेकिन ये गेट लिंक नहीं है, देखो सेपरेट है, यहाँ पे गैप है देखो। हाँ छोड़ो, वो तो ऐसे बीप से पता चलता है, लेकिन इससे ट्रैक देख के पता चलता है हम लोग को, ट्रैक मतलब ये सब ट्रैक, ये देख रहे हो ना, ये सब ट्रैक है एक्चुअली, ये तो अपर लेयर का ट्रैक है, टॉप लेयर का ट्रैक है, अंदर वाला जो लेयर होता है उसका ट्रैक तो दिखता नहीं है, ठीक है। ये देखो ये सब ट्रैक दिख रहा है ना, ये सब ट्रैक है, ये सब लाइन जा रहा है जो, ये सब ट्रैक है। खैर जो, तो ये अभी आपको करना क्या होता है, जब अगर समझ लो 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, 19 वोल्ट आ रहा है, या तो यहाँ पे चेक कर लो, या तो यहाँ पे चेक कर लो, इस फैट का ड्रेन बात एक ही है ना, तो यहाँ पे चेक कर लो 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 19 वोल्ट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम तो सोर्स में ही है, समझ लो तुम्हारा लैपटॉप बोर्ड में 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो मतलब सीधा सा बात है लैपटॉप डेड है, सेट डेड है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, तुमको सिर्फ सबसे पहले चेक करना है कि 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मेन सोर्स से आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 19 वोल्ट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं है, मतलब सीधा सा बात है, मतलब रेगुलेटर सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सोर्स ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ से बनेगा। तो पहले 19 वोल्ट जहाँ से आ रहा है उसको ठीक करो, उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए वो बैटरी इनपुट सेक्शन, एडाप्टर इनपुट सेक्शन, वोल्ट इन सेक्शन जहाँ से वोल्टेज इन होता है, या तो डायरेक्ट तुम पावर सोर्स को पहले चेक कर लो, एडाप्टर को चेक कर लो, बैटरी को चेक कर लो, वो पावर सोर्स चेक, उसके बाद वोल्ट इन सेक्शन चेक करेंगे। वो अगर समझ लो 19 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है लेकिन फिर भी 5 वोल्ट या तो 3 वोल्ट नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इंडिविजुअल सभी कंपोनेंट को चेक करना होगा कि अगर यहाँ पे 19 वोल्ट आ गया और 19 वोल्ट यहाँ पे आया मतलब इसको मिलेगा अपर फेट को ड्रेन को मिल जाएगा 19 वोल्ट, ठीक है। अगला हम लोग ये चेक करेंगे, होता क्या है यहाँ पे 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट इस कॉइल पे 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट कब बनेगा, जब ये दोनों फेट को आईसी ड्राइव करेगा। डायग्राम देख लो, ये दोनों फेट को कौन ड्राइव कर रहा है, आईसी कर रहा है ना, आईसी दोनों फेट का 4 नंबर पिन, आईसी 4 नंबर पिन जुड़ा हुआ किसके, आईसी के साथ, तो आईसी से यहाँ पे आएगा तुम्हारा वोल्टेज। अगर आईसी से यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये दोनों फेट ड्राइव नहीं होगा, और जब ड्राइव नहीं होगा 19 वोल्ट आने से भी आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि 19 वोल्ट तो आ गया, मैंने एक्ज्यूम कर लो 19 वोल्ट यहाँ पे आ गया, लेकिन ये दोनों फेट को आईसी से वोल्टेज नहीं मिल रहा, जब तक आईसी से वोल्टेज नहीं मिलेगा यहाँ पे 19 वोल्ट आने से भी ये आउटपुट नहीं बनेगा। तो ये 19 वोल्ट तो आना ही चाहिए, साथ साथ ये दोनों फेट को आईसी से सप्लाई मिलना चाहिए, अगर आईसी से इनेबल सिग्नल मिल रहा है तभी ये दोनों फेट क्या करेगा, स्विचिंग करेगा, यहाँ पे स्विचिंग होगा, स्विचिंग के साथ साथ यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा। तो हमको देखना पड़ता है क्या 4 नंबर पिन में वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 नंबर पिन में हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर पिन पे ये कौन सा, ये 4 नंबर पिन अगर 19 वोल्ट आ रहा है समझ लो, तो यू हैव टू चेक द पिन नंबर 4, ठीक है, ये दोनों का पिन नंबर 4 चेक करो, दोनों का
पिन नंबर 4 मतलब गेट पिन में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आईसी से, समझ लो आईसी से सप्लाई आ रहा है, एज्यूम कर लो आईसी से क्या आ रहा है, सप्लाई बन रहा है। एक तो कैसे, एक तो केस हो सकता है कि आईसी से सप्लाई नहीं बन रहा है, तो उस केस में प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम आईसी में होगा ना, अगर आईसी से यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है, पहला केस तो ये हो गया। तो हम लोग सस्पेक्ट किसको करेंगे, आईसी को करेंगे डाउट, आईसी आईसी इनेबल सिग्नल नहीं दे रहा है, तो डाउट किसको करेंगे, आईसी को। और समझ लो यहाँ से सप्लाई सिग्नल आईसी से सिग्नल आ गया, वोल्टेज आ गया 19 वोल्ट भी आ गया, आईसी से भी सप्लाई मिल रहा है, फिर भी काम नहीं कर रहा, फिर भी आउटपुट नहीं निकल रहा, तो हम लोग क्या किसको डाउट करेंगे, इस दोनों फैट को चेक करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय दोनों फैट को चेक, या तो तुम डायरेक्टली फैट को चेक कर लो पहले, उससे कौन सा बड़ा काम है, यहाँ पे कैपेसिटर चेक कर लो, फैट चेक कर लो, इन समझ लो तुमको पता नहीं है इसमें कौन सा कहाँ यहाँ पे क्या सप्लाई बन रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, इतना तुमको नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट इस सेक्शन को पता कर लो, और इस सेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स हैं इनको इंडिविजुअली चेक करो, कहीं पे कोई शॉर्ट लीकेज इस तरह का है कि नहीं, ओपन सर्किट है कि नहीं, सब चेक कर लो इस तरह से। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या करोगे, ठीक है, तो उसका बात है, लेकिन पहले सर्किट को लेआउट को समझोगे तभी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आज के क्लास को हमको बस इतना ही सीखना था कि इसका लेआउट कैसे होता है, और उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली सर्किट बोर्ड में ट्रेसिंग करके देखा कि ये पूरा का पूरा जो रेगुलेटर सर्किट का जो लेआउट बनता है वो कैसे बनता है। समझ में आ गया बात, क्लियर? कुछ पूछना है किसी को?